हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग किया था, जो डीसी और पीजीडीसी है, अभी हाल में जो एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम एकदम सबके ब्रांडेड गए हैं। जितने भी क्वेश्चन में बनाया था, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन आए हैं जो जिसकी वीडियो बनाए हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी हैं। ओके, लेकिन मल्टीमीडिया की वीडियो मैंने एक भी नहीं बना पाया, उसके बदले मैंने सीपीसीटी की बहुत सारी वीडियो बना के रखा है। ओके, और जो भी वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पास ना हो, जो पुराने स्टूडेंट हो, तो आप बता देना क्या कैसे होता है। आज से मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर टैली में यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो बनाऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि अकाउंटिंग क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या होती है, अकाउंटिंग के महत्व क्या होता है, अकाउंटिंग के लाभ क्या होते हैं। ओके, जो अपना टैली में है, तो इसमें थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। तो मैं आपको थ्योरी अलग बताऊंगा, प्रैक्टिकल अलग बताऊंगा। ओके, तो जो मेरा युवा कंप्यूटर स्टडी है उसके प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें सारी चीजें आपको फोल्डर के रूप में मिल जाएंगी। तो आज मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, महत्व क्या है और इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। क्या बेटा, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ओके, तो अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी अपनी एक शॉप होती है, शॉप में जो भी डेटा आता है जाता है उसको आंकड़ा बोलते हैं। तो अपने आंकड़ा आना जाना, उसको सेव करना, मेंटेन करना, ये सब क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड भी और आ गया है जिसका नाम है बुक कीपिंग। उसका नाम है अपना बुक कीपिंग। ये जो वर्ड आया है इसमें, ये बुक कीपिंग कहलाता क्या है? तो बुक का मतलब क्या होता है, अपना एक पुस्तक। कीपिंग का मतलब होता है पास में रखना। ओके ना, तो ये बुक का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने कस्टमर हो, चाहे व्यवसाय का स्वामित्व हो, इनका जो भी डेटा होता है उनका डेटा एकत्रित करना बुक कहलाता है। और कीपिंग मतलब होता है अपने बुक में डेटा को एकत्रित करके अपने पास रखना। ओके, ये क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहलाता है कि जो डेटा होता है उसका मेंटेन करना, वो कहलाता है अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने कितना आइटम परचेस किया, मैंने कितना आइटम सेल्स किया, कितने एम्प्लॉय का पेमेंट किया, कहां से मेरे को कितना पैसा रिसीव हुआ, ये सारी चीजों का मेंटेन करना क्या कहलाता है बेटा, अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन ये भी है कि बुक कीपिंग से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि जो डेटा का कलेक्शन होता है उसे बुक कहा जाता है। ओके, बुक किसे कहते हैं, डेटा के कलेक्शन को बुक कहा जाता है। और बहुत सारी बुकों को जब एक साथ रखा जाता है तो उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बुक कीपिंग की कुछ डेफिनेशन कुछ लोगों ने दिया है। जैसे मैं उसकी बात करता हूं कि किन किन लोगों ने बुक कीपिंग की डेफिनेशन दिया है। जैसे मैं रोलैंड, एक वैज्ञानिक का नाम या व्यक्ति का नाम रोलैंड है, जिसने ये बोला है कि पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जैसे रोलैंड हुए, एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या बताया, बुक कीपिंग की डेफिनेशन उन्होंने ये बताया कि पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उनको एकत्रित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अपन की जो एक पुस्तक तैयार होगी, वो पुस्तक में क्या नियम लगाए जाए, क्या सिद्धांत लगाए जाए कि जो हमारी पुस्तक है वो एकदम सटीक परिणाम दे, ऐसा अपन किसने बताया, रोलैंड ने बताया। इसके बाद इसी की एक और डेफिनेशन एक व्यक्ति ने बताया, जिसका नाम है कार्टर। कार्टर ने आपको क्या बताया कि हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा
मुद्रा या माल के आदान प्रदान का स्ट्रक्चर तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना। दो व्यक्ति ने बताया बुक कीपिंग, कि रोलैंड ने क्या बताया कि जो अपन एक पुस्तक बनाएंगे उस पुस्तकों में कुछ सिद्धांत का संयोग होगा, ओके। फिर भी एक व्यक्ति कार्टर है, उन्होंने ये बताया कि जो भी व्यक्ति या जो भी पुस्तक बनेगी उसका जो हिसाब किताब होगा, मुद्रा मतलब पैसे, ओके, प्रोडक्ट माल के आदान प्रदान मतलब कि जो हम अपने शॉप में, दुकान में या कंपनी में कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसका आदान प्रदान होगा, तो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे बाउचर होते हैं, टैली में क्या होते हैं बेटा, बाउचर होते हैं। बाउचर का मतलब क्या होता है, ये सब आगे वीडियो में बताऊंगा कि बाउचर में आपको जैसे एक ये परचेस बाउचर हो गया, एक इसी में सेल्स बाउचर हो जाता है, इसी में रिसीव्ड बाउचर हो जाता है, इसी में पेमेंट बाउचर हो जाता है। कितने बाउचर आए, 4 बाउचर आए। तो जो विज्ञान व्यक्ति कार्टर थे, उन्होंने ये बोला है कि आपकी बुक के अंदर जितना भी हिसाब किताब हो, सारा हिसाब किताब किसमें हो, एक स्ट्रक्चर एक चित्र के रूप में दिखाई दे, जिससे कि हम पूरा हिसाब किताब क्या कर सकते हैं, उसको संक्षेप में पढ़कर विस्तारिक रूप दे सकते हैं। उन्होंने किसने बताया, कार्टर ने बताया। और जो रोलैंड ने बताया, उन्होंने ये बताया कि पुस्तक पालन, जो भी सौदे होंगे अपनी दुकान में, कुछ माल आए या जाए, क्या होगा, एक सिद्धांत के आधार पर उसको लिखा जाएगा, ओके। और जो अपना ये बुक कीपिंग होता है, ये आंकड़ों का संयोग होता है, सीधी बात है। बहुत सारे आंकड़े जो आते हैं एक बुक में एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी बुकों को बुक कीपिंग कहा जाता है। और बुक कीपिंग की दो लोगों ने डेफिनेशन दी, एक रोलैंड ने और एक कार्टर ने। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ओके। आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं, बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने आपको ये चीज बताई, ओके। इसके बाद मैं अगली चीज बताता हूं, अकाउंटिंग क्या होता है। अब मैं बताता हूं कि अकाउंटिंग में आपको क्या क्या डेफिनेशन होती है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो इसमें क्या होता है क्या नहीं, जो मैं अकाउंटिंग के बारे में बता रहा था, इस अकाउंटिंग में आपको सिंपल डेफिनेशन ये देखना है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मुद्रा। कहने का मतलब ये है कि आप वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति के बारे में लेन देन रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय स्थिति के बारे में ऑब्लिक लगाओ या वित्तीय स्थिति के लेन देन रिपोर्ट तैयार करना क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि जो वित्तीय स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति मतलब होता है फाइनेंशियल चीज, या फाइनेंशियल चीज होती क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी, अपन ने जो पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा फोन आ गया था। तो अब मैं अकाउंटिंग में क्या करूंगा, वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति मतलब जो पैसा का लेन देन होता है, अपने पास कितना पैसा आया, कितना पास गया, कितनी चीज हो रही है, कितनी चीज नहीं हो रही है, ये सारी वित्तीय स्थिति कहलाती है। इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करना, अब बोलोगे सर रिपोर्ट क्या कहलाती है, रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि यदि मैं बोलता हूं कि आप अपनी शॉप से कुछ चीजें बेचे तो सेल्स अलग होगा कि जो आपने बेचा वो सेल्स होगा, जो आपने खरीदा उसको क्या बोलेंगे, परचेस होगा, और जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमने कितना बेचा, कितना खरीदा और कितना स्टॉक में है, तो इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके हमको वो चीज दिखाना क्या कहलाता है, रिपोर्ट, ओके।
तो अपना जो अकाउंटिंग में होता है बेटा, अकाउंटिंग में पूरी वित्तीय स्थिति, कितना आया पैसा, कितना पैसा गया, ये सब क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन जो अपनी बुक कीपिंग होती है उसमें पूरा हिसाब प्रोडक्ट का होता है, और इसमें प्रोडक्ट प्लस कैश दोनों का हिसाब किस में होता है, अकाउंटिंग में होता है। अब मैं बात करता हूं कि अकाउंटिंग की कुछ लोगों ने डेफिनेशन दिया है, उन लोग के नाम लिखता हूं क्या डेफिनेशन दिए हैं और किस प्रकार का आपको समझाया गया है, ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूं। यदि आप पहली बार टैली पढ़ रहे हो तो इसके पहले भी मैंने आपको टैली में कुछ वीडियो अपलोड करके रखा है, उसमें टैली प्रैक्टिकल भी है, थ्योरिकल भी है। टैली की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बेसिक बताया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशन है, जैसे आर एन एंथोनी ने क्या बोला है कि व्यवसाय, क्या बेटा, व्यवसाय के बारे में मौद्रिक मतलब होता है पैसा, मौद्रिक शब्दावली में सूचनाएं, बेटा बहुत अच्छे देखना, सूचनाएं एकत्रित करके प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। ओके, इसमें क्या है, व्यवसाय के बारे में जो अपन व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में हमारा कितना पैसा आया, मौद्रिक कितना उधार है, कितना बकाया है, इसका पूरा मेरे को योग चाहिए, इसकी एक प्रकार की सूचना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करके उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना, प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। आर एन एंथोनी ने क्या बताया है कि व्यवसाय में जितने लेन देन होते हैं इन सारे लेन देनों को एकत्रित करके उसको स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि हम किसी भी डेटा को बहुत आसानी से देख सकते हैं। कौन बताया ये बताया आर एन एंथोनी ने। फिर एक व्यक्ति और आए जिसका नाम था अपना स्मिथ एंड एसवर्न, ASHBURN एसवर्न, उन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा देखने का, वित्तीय स्वभाव के व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं को लिपिबद्ध करके वर्गीकृत करना। थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, उसके लिए सॉरी, अगले बार से मैं लिखाया ले आऊंगा। ओके, तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मेरे को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और अपनी वीडियो भी लंबी नहीं बनेगी। तो आज बस मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो आर एन एंथोनी थे उन्होंने क्या बताया कि व्यवसाय के बारे में जितना भी इनकम हुआ, आउटगोइंग हुई, इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, उन सभी को एकत्रित करो और इसको प्रदर्शित करो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। लेकिन जो स्मिथ एंड एसवर्न थे उन्होंने ये बताया कि वित्तीय स्वभाव, जितने लेखांकन होते हैं, अकाउंटिंग होते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक लिपिबद्ध सूची तैयार करना है और उस सूची को वर्गीकृत करना है। और वर्गीकृत कैसे, कि जैसे मैं बोलता हूं कि बेटा यहां पर परचेस हुआ, ओके, अब मैंने यहां पर परचेस किया, PURC, मैंने यहां पर परचेस किया, तो लिपिबद्ध का मतलब क्या होता है, आपने परचेस तो किया लेकिन क्या आपने परचेस कैश में किया, क्या आप परचेस उधार में दिया, क्रेडिट, या आप परचेस किए तो कोई बैंक के द्वारा किए। ओके, इसको बोलते हैं लिपिबद्ध वर्गीकृत तैयार करना। ओके, तो जो स्मिथ एंड एस बर्न ने बोला था
कि जो भी अपने वित्तीय स्वभाव के लोग हों, वित्तीय स्वभाव के व्यवसायिक व्यवहार, उनको लिपिबद्ध वर्गीकृत करना है कि आपने कोई परचेस किया तो कैश में किया, क्रेडिट किया, एसबीआई किसी प्रकार की बैंक से आपने खरीदारी की। तो ये बताया है स्मिथ एंड एसबर्न ने। देखो अकाउंटिंग में आप डेफिनेशन चेंज कर देंगे लेकिन चीज रहेंगी वही कि आपने जो डेटा है उसको एकत्रित किया है और लेन देन किया है, लेन देन की प्रक्रिया को स्टोर किया है, यही अकाउंटिंग कहलाती है। ओके, अकाउंटिंग में लाभ कितना होता है, फायदा कितना होता है, पैसा कितना आया, कितना गया, कितना स्टॉक में है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग ही तो कहलाती हैं। अब यदि मैं बोलता हूं कि अकाउंटिंग की अवधारणाएं क्या होती हैं, अवधारणाएं, ठीक है ना, तो ये अब मैं बताता हूं कम से कम 10 अवधारणाएं, मैं इसके बारे में बताता हूं कि जो अपनी 10 अवधारणाएं होती हैं वो अकाउंटिंग में क्या है। अवधारणाएं का मतलब होता है कि टैली का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि टैली की अवधारणाएं लिखिए, तो क्या होता है टैली का कॉन्सेप्ट, का अवधारणाएं का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अब कैसे होता है वो देखना, यदि मैं आपको यहाँ से 8-9 कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ तो बाकी और भी आप कॉन्सेप्ट अपने मन से लिख सकते हो। ओके, तो एक एक करके मैं 8 कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवसायिक अस्तित्व की स्पेलिंग थोड़ा सा क्या होता है फिर भी गलत लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, थोड़ा सा मेरा हिंदी वीक है तो आप टेंशन मत लेना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब क्या होता है टैली में कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोला जाता है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मैं बोलता हूं कि ये मेरी शॉप है, ओके, क्या है बेटा, शॉप है, इस शॉप में मेरा पैसा कितना लगा है और इस शॉप से पैसा कितना आ रहा है, ये दोनों का मेंटेन अलग अलग रहता है। मेरे जेब में कितना पैसा है इससे कोई मतलब नहीं, और मेरे बिजनेस में कितना पैसा आया है इसका दोनों का मेंटेन अलग होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब ही होता है बेटा कंपनी, क्या होता है कंपनी, अर्थात कंपनी में कितना पैसा आया उसका हिसाब किताब अलग चाहिए और मेरे पास कितना है इसका हिसाब किताब एक दूसरे से किसी भी प्रकार का मिलान नहीं होता, दोनों का हिसाब किताब क्या होता है बेटा अलग होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहली जो अवधारणा हो गई अपनी व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा हो गई। इसके बाद मैं दूसरी अवधारणा का नाम लिखता हूं जिसका नाम हो जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, मनी मेजरमेंट, मनी का मतलब मेरा कितना पैसा बिजनेस में लगा है उसका मैनेज मेरे को किस हिसाब से करना है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ये आप भी लिख सकते हो कि मेरा पैसा कितना कहां पर लगा है, इसका मैनेज मेरे को बिजनेस में किस प्रकार से करना है, इसको किस प्रकार से वसूली करना है, इसको बोला जाता है बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोला जाता है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, द्विपक्ष अवधारणा। अब बोलोगे सर द्विपक्ष क्या कहलाता है, द्विपक्ष अवधारणा का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझना द्विपक्ष अवधारणा। जैसे मैंने बोला कि यहां पर मेरी क्या है बेटा एक शॉप है और यहां पर क्या है कस्टमर है, एक शॉप है और एक यहां पर कस्टमर है। ओके, यदि मैं बोलता हूं कि अपनी शॉप से मैं यहां पर इस कस्टमर को कुछ देता हूं, ओके, कोई भी प्रोडक्ट दिया तो कस्टमर मेरे को क्या देगा, पैसे देगा। तो यहां पर देनदार और लेनदार दो पक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे,
देनदार और लेनदार दो पक्ष बनेंगे और इस पक्ष के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, कि यदि अपने ने प्रोडक्ट खरीदा है तो प्रोडक्ट खरीदे हैं तो दो लोग होंगे, एक होगा लेने वाला और दूसरा होगा देने वाला, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद अगली अवधारणा की मैं बात करता हूं, तो अगली अवधारणा जो आती है अपनी गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि हमारी कंपनी से कितना प्रोडक्ट गया है इसका पूरा मेंटेन करना अपना कर्तव्य होता है, तो जिसको बोला जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें जितना भी अपनी कंपनी से माल बेचा है, आया है, आया नहीं गया है, ओके, सेल हुआ है, इस सेल का मेंटेन, देखो वर्ड से अपन को समझ में आता है गोइंग, कितना माल बेचा है, इसमें क्या आएगा जितना भी बिक्री हुई है और बिक्री होने के बाद हमको क्या मिला है पैसा मिला है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट करना गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। ओके, इसके बाद पांचवा कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो पांचवा में कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, लागत अवधारणा। लागत की अवधारणा कि यदि मैं कोई भी बिजनेस चालू करना चाहता हूं तो मेरे बिजनेस में जो भी फर्नीचर आया, मशीनरी आई, तो इसमें हमको कितना पैसा लगेगा, तो जितना भी पैसा लगता है उस अवधारणा या उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो आपको दिख रहा होगा कितना पैसा लगा हुआ है, उसको बोला जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यदि मैं छठवीं अवधारणा की बात करता हूं, छठवीं, तो उसमें रहा होता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या आएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में, कि आपने कितनी वसूली की है और वसूलने के बाद हमको कितना पैसा प्राप्त हुआ है, इस सब का मेंटेन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, कि हमने प्रोडक्ट को बेचा, अब बेचने के बाद हमें कितना कैश कलेक्ट हुआ, ये सारे कैश जब ये कलेक्ट होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाई जाती है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद मैंने सातवा देखा, तो सातवा में आया कैपिटल कैपिटल कॉन्सेप्ट। ओके, कैपिटल कॉन्सेप्ट, कैपिटल कॉन्सेप्ट में हमको ये आएगा कि हमारी बिजनेस में पूंजी कितनी लगी है। यदि मैंने बोला कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं उस बिजनेस में 4 लाख की पूंजी लगी है, 10 लाख की पूंजी लगी है, इस पूंजी को किस प्रकार से वसूलना है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, कैपिटल कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है ना, पूंजी की अवधारणा, मेरे बिजनेस में कितनी पूंजी लगी हुई है, ये कहलाता है कैपिटल अवधारणा। ओके, इसके बाद जो आठवा होगा वो होगा पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कि यदि मैं आप बिजनेस कर रहा हूं तो कितने समय से कितने समय तक करूंगा, ईयरली करूंगा या कैसा करूंगा बिजनेस। पीरियड का मतलब होता है समय अवधि, क्या होती है बेटा, समय अवधि। अब मेरे को किस समय अवधि से कहां तक करना है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है, पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इतनी अवधारणाएं मैं आपको बताया, इनमें से जो भी अवधारणा आपको समझ में नहीं आई तो आप एक बार कमेंट जरूर करना कि क्या होता है कैसे होता है। एक बार मैं और इसको रिवाइज करा देता हूं। पहला क्या जाता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें होता क्या है कि जो अपने बिजनेस में जितना पैसा लगता है ना उसका मैनेजमेंट किया जाता है, अपने पास कितना पैसा है उससे कोई मतलब नहीं। एंटिटी का मतलब ही होता है कोई कंपनी, अपनी कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ओके, मनी मेजरमेंट यूनिट कॉन्सेप्ट। मनी का मतलब होता है पैसा, किस प्रकार से कंपनी में मैनेज करना है, कितना कर्मचारी को देना है, कितना नहीं देना, ये सब मैनेजमेंट करना आना चाहिए, इस अवधारणा को बोलते हैं बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ओके, इसका मतलब ये होता है डबल का, कि यदि मेरा एक लेनदार होगा तो दूसरा देनदार होगा। यदि मेरे पास 100 रुपए आए तो मैं 100 रुपए का उसको सामान दूं, एक्स्ट्रा सामान ना दूं,
इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्या, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसमें मेरी कंपनी से कितना माल गया है, कितनी वस्तु गई है, इसका मैनेजमेंट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि मेरी कंपनी में कितनी लागत लगी हुई है, इस लागत को निकालने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद आता है रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिलाइजेशन मतलब होता है अपना कि हमें जो माल हमने उधार में बेचा था वह माल हमें कितना वसूली किया, कितना प्राप्त किया, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला है अपना कैपिटल कॉन्सेप्ट। जब हमने पूरा कंपनी को माल बेच दिया या कंपनी से माल ले लिया, इसके बाद हमको कुल कितनी पूंजी हमारे पास बची, इसका कैलकुलेशन जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई। पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि मैंने किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दिया और उससे बोला कि बेटा आप एक काम करो कि ये कस्टमर है एक साल का, एक साल के अंदर हमको जितना भी आपका उधार है इस पूरे उधार की को आपको चुकाना है। देखिए पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब एक समय अवधि के दौरान जो हिसाब किताब कैलकुलेशन हो जाता है ना, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये होती है टैली के कॉन्सेप्ट की, टैली के किस कॉन्सेप्ट से कौन सी कैलकुलेशन की जाती है, कौन सी कैलकुलेशन नहीं की जाती, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो और दो तीन मन से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतने लिखने के बाद आप कुछ ना कुछ मन से भी लिख दोगे तो कोई गलत करने वाला नहीं है। ओके, इसके बाद मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा टैली के लाभ और टैली की हानि। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।